गाइस, क्या आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप हुआ था 1983 में, तो उसमें कपिल देव जी ने जो है पारी खेली थी 175 रन्स की, तो उसकी कोई वीडियो फुटेज क्यों नहीं है? और क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा भी विलेज या गांव है जहां पर कोई भी दरवाजा नहीं है, यानी कोई बिना डोर का सबका घर, और वहां पुलिस स्टेशन भी नहीं है? तो ऐसी कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वेलकम टू मनीष मनहर। सो लेट्स स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जो विंड होती है, यानी जो हवा होती है, वो सिर्फ तभी आवाज करती है जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर हवा अगर इसी के मतलब ऐसे सीधा जा रही है तो आवाज, मतलब ये ऐसे सिंप्लीफाई करता हूं कि देखिए, जब जो विंड है अगर वो किसी ऑब्जेक्ट है उसकी अपोजिट साइड से गुजर रहा है तब वो आवाज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी ऐसे 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 चल रहा है और अगर हवा इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से, और आदमी ऐसे चल रहा है तो अपोजिट साइड हुआ, तब जो हवा आवाज करता है, ऐसे कुछ कुछ साउंड इफेक्ट शो करता है। फैक्ट नंबर 5, फ्रेंड्स, जो सनी सिग्नापुर एक भारत में एक विलेज है, वहां पर कहीं पर भी, यानी जो घर होते हैं उस गांव में, तो उस गांव के किसी भी घर में कोई भी दरवाजा की वाड़ जो भी नहीं है, और वहां पर पुलिस स्टेशन भी नहीं है, क्योंकि जो सनी सिग्नापुर वाले हैं उनका मानना है कि जो भी उनके यहाँ चोरी वगैरह करता है, चोरी डकैती जो भी मान सकते हैं आप, उनका मानना है कि अगर कोई वहां चोरी करता है तो उस पर सनी का जो है साढ़े साथी या बहुत बड़ा दोस्त लग जाता है, और इसलिए वहां पर पुलिस स्टेशन भी नहीं है। फैक्ट नंबर 4, तो रमेश बाबू, उनके बारे में आप सभी ने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सुना ही होगा। तो रमेश बाबू इकलौते दुनिया के बार्बर हैं जिन्होंने अपने जो नाई होते हैं, यानी बार्बर की जो मतलब दाढ़ी बना के या बाल काट कर ही उन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि उनके पास एक रोल्स रॉयस है। हालांकि वो बात अलग है कि उन्होंने जो है कार वगैरह रेंट देकर उस उतने सारे जो है अपना मतलब बिजनेस एक खड़ा किया, लेकिन उनका जो बेस था वो सैलून ही था। दोस्तों फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इसरो के बारे में तो आप सभी ने जानते होंगे। तो देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप सोचे कि जो रॉकेट है वो साइकिल पर ले जाया गया और जो सैटेलाइट है वो बैलगाड़ी पर ले जाया गया, स्पेस में नहीं ले जाया गया, मतलब जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो वो रॉकेट को साइकिल से ले जाया गया और सैटेलाइट को बैलगाड़ी से। इसके लिए तो एक लाइक बनता है इसरो के लिए। फैक्ट नंबर 2, मुझे 2 नहीं जाना, फैक्ट नंबर 2 है। तो देखिए, फैक्ट नंबर 2 ये है कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर अगर आपको पुलिस बनना है तो आपको 3 साल तक ग्रेजुएशन करना होगा, सब्जेक्ट होगा पुलिस स्टडीज। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट फैक्ट की ओर, जो है फैक्ट नंबर 1। तो देखिए, जो कपिल देव जी हैं, जिन उनका मतलब योगदान ही था पूरा जिताने में, क्या वर्ल्ड कप जो हुआ था 1983 में, तो उनका उनको जो सबसे लंबा पारी वो खेले थे, मतलब ऐसे 175 रन्स का, तो उनका कोई वीडियो फुटेज इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो बीबीसी होती है, बीबीसी जो होती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, तो ये क्या होता था कि ये उस समय स्ट्राइक पे चली गई थी, यानी हड़ताल पे चली गई थी बीबीसी, तो इस वजह से उनका वीडियो फुटेज जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। बड़े ही दुख की बात है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। क्या मैं कॉपी करूं? तो आज के लिए बस इतना ही। तो बस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ यार, विश यू अ वेरी 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 फैबुलस दिवाली टू यू एंड योर फैमिली एज वेल। सो गुड बाय।